बजरंग दल गोरक्षा, धर्मांतरण, मंदिर सुरक्षा, समरसता, लव जिहाद, सामाजिक रक्षा, आत्मरक्षा आदि विषयों पर कार्यकर्ताओं की महती भूमिका निर्धारित करने के लिए बजरंग दल अपने संगठन का कार्य का विस्तार करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन करता है। इसी कड़ी में बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग बेटमा के श्रमोदय आवासीय विद्यालय में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण वर्ग 10 मई से चल रहा था। सोमवार को नगर में बजरंग दल का पथ संचलन स्थानीय बियानी गार्डन से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः बियानी गार्डन पहुंचा। पथ संचलन का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। पथ संचलन में इंदौर और धार विभाग के 130 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से जब बैठमा की गलियां गूंज उठी तो नगर के लोगों को पता चला कि आज बजरंग दल का संचलन निकल रहा है। बैठमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हमारा प्रशिक्षण वर्ग पिछले 10 तारीख से लगा था, 10 से 17 बजे तक। कल उसका समापन था। समापन के पूर्व उसका पद संचलन निकलता है। पद संचलन के लिए पूरा बैठमा पद संचलन निकला उसका। हमारा पूरा 2 साल से पद संचलन अपना बंद था प्रशिक्षण। आप लोग लॉकडाउन और कोरोना काल बंद था, इसलिए 2 साल बाद आज प्रशिक्षण बेटवा में लगा था। पिछले 10 तारीख से 17 बजे तक कल समापन है। उसके समापन के पूर्व आज हमारी पथ संचलन का बेटवा पूरा 2 किलोमीटर का दायरे में आज पथ संचलन निकला है। इसमें कहाँ कहाँ के बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे? पूरे इंदौर और धारीबाग के कार्यकर्ता उपस्थित थे। उसमें कितनी संख्या में कार्यकर्ता? 130 की संख्या में शिक्षार्थी थे उसमें, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, आपका नाम और प्रवीण दरकर, बजरंग इंदौर विभाग से। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।